हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा. दिस इज़ योर फ्रेंड नितिन शर्मा. आज मैं आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पर जिसका नाम है सिया दे फेलिपे सेगुंडो. फेलिपे एक राजा था स्पेन का जो 15 सेंचुरी में पैदा हुआ था. सिया का मतलब होता है स्पेनिश में चेयर, और सेगुंडो का मतलब होता है सेकंड. सो जो राजा था, सेकंड राजा था, उसकी यहाँ पर चेयर है जो एक बड़े रॉक से, पत्थर से बनी हुई है. उस पत्थर पे लोगों ने काम किया था जिससे कि वो यहाँ पर ऊपर बैठ सके पहाड़ी पे, और वो अपने पलासियो को, पलासियो मतलब होता है स्पेनिश में पैलेस, जैसे कि हमारे नारगढ़ फोर्ट है, अपने राजस्थान में खूब सारे पैलेस हैं राजाओं के, ऐसे ही उसका भी यहाँ पर एक पैलेस था. एस्कोरियल जगह है जिसका नाम है, वहाँ पर उसका पैलेस है काफ़ी बड़ा. यहाँ पर एंट्री फीस है. सो वो जो है वो यहाँ से बैठ के अपने कंस्ट्रक्शन को देखता था, यहाँ से बैठ के अपनी जगह को देखता था कि वो कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है उसका. सो आज हम वही देखने जा रहे हैं कि वो जहाँ बैठता था, वो जो उसकी बड़े से रॉक पर जो वो चेयर है वो कैसी दिखती है, और वहाँ से जो नज़ारा है बहुत अच्छा है. ये मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ, और सेकंड टाइम आने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है. आप जंगल के बीच में से जाते हैं, या तो आप रोड के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर जाना है तो जंगल के बीच में एक ट्रैकिंग वाला रास्ता है, उस ट्रैकिंग वाले रास्ते से भी आप ऊपर पहुंच सकते हैं. और यहां पर कोई एंट्री फीस नहीं है, आप अपनी कार से आ सकते हैं, प्राइवेट कार से. अगर आप इंडियन हैं या बाहर से आ रहे हैं तो आपको कार या टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक कोई बस नहीं आती है, बस की यहां पे कोई सर्विस नहीं है. सो जब भी आप याद रखें, अगर स्पेन आ रहे हैं, मैड्रिड आ रहे हैं, तो ये जगह का नाम है एस्कोरियल. मैं अपने वीडियो में लिंक के नीचे लिंक डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल सके. ये काफ़ी माउंटेन्स हैं यहाँ पे, उससे घिरा हुआ है, काफ़ी अच्छी हरियाली है यहाँ पर, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और काफ़ी शांति है जो कि आज सिटी में नहीं देखने को मिलती है. सो आज हम ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे. याद रखिए, अपने साथ खाना लाइए अगर ला सकते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे बेंचेस हैं जहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं. यहाँ पर आप अपनी पानी की बॉटल ज़रूर लेके आए, क्योंकि आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी. सो अभी हमने डिसाइड किया है कि जो हम लेके आए हैं पिकनिक, यहाँ पे लोग बनाने, बहुत पिकनिक बनाने लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ पर शांति ज़्यादा है. तो लोग अपने घर से सैंडविचेस या कुछ भी है, कुछ भी टाइप का खाना हल्का फुल्का लेके आते हैं, अपने साथ ड्रिंक्स लेके आते हैं, और यहाँ पर बेंचेस में बैठ के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं. ये एज अ पिकनिक स्पॉट भी आप कह सकते हैं, जंगलों के बीच में पिकनिक स्पॉट है, तो काफ़ी अच्छा है. तो अभी हम खाना निकालेंगे गाड़ी में से, पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, ताकि जो भी खाना है थोड़ा पच जाए. सो यहाँ पर जैसे कि ओके, सो खाना पीना हो गया है, अब हम चढ़ेंगे ऊपर, चढ़ाई करेंगे. एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी गार्बेज है, कूड़ा है, उसको सिर्फ और सिर्फ फेंके तो डस्टबिन में. जिससे कि आपकी कंट्री भी स्वच्छ रहे और आपकी हेल्थ भी. सो प्लीज़, जो भी गार्बेज है, जो भी कूड़ा करकट है, उसे सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में फेंकें. सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है एक पुराना फाउंटेन जिसमें अभी पानी नहीं है फ़िलहाल. ये इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आगुआ त्राटादा. आगुआ मीन्स होता है स्पेनिश में पानी, और त्राटादा मतलब कि यहाँ पर पानी आता था. सो ये यहाँ पर फाउंटेन है जो सूखा पड़ा है. मेरे ख्याल से सर्दियों में ये इसमें पानी निकलता है, क्योंकि माउंटेन से जो भी पानी, बर्फ जो पिघलती है, वो यहाँ पर पानी भर जाता है ऊपर तक की जो भी सीढ़ियाँ हैं. तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि आपको दिखाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. और अब हम ऊपर जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए. यहाँ पर दो रास्ते हैं चढ़ाई करने के लिए. एक तो जो है, जो आप मेन रोड से जाते हैं, अगर आपके पास कार है. कुछ लोग जो चलना नहीं चाहते हैं, उनको चलना पसंद नहीं है, ट्रैकिंग करना नहीं पसंद है, सो वो कार लेके ऊपर चले जाते हैं. लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमने कार नीचे छोड़ दी है और हम जाएंगे चल के ट्रैकिंग करते हुए. लेकिन हम रास्ता अपनाएंगे दूसरा, हम नहीं जाएंगे
रोड से हम जाएंगे बॉस्के से. बॉस्के मतलब होता है स्पेनिश में फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल. हम जंगल के रास्ते से ऊपर जाएंगे. आई थिंक esto es el, ¿no? Sí. Me imagino el último día. No, por ahí hay que pasar la curva. ¿Seguro? Sí. ¿O estaba por aquí? Estaba por aquí, me imagino. Ah, no, sí, porque ahí claro, hay una valla. Claro, está por aquí. Bueno, que yo me lo hace bolas aquí. Pichli bar jab hum aaye the to hum yahan se gaye the. So hum idhar se hi jayenge dobara aur trekking karte hue jayenge. Abhi abhi khana khaya hai aur main bahut thak jata hu khana khane ke baad. मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ लेकिन हम जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए. देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है, जंगल के बीच में से ऊपर पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता है. सो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे जाएंगे. ओके okay. No lo sé, pero da igual, vamos a subir. Sí, es una carretera. So, थोड़ा अजीब सा रास्ता है, जंगल के बीच में से होके जाना है. जैसे पुराने ज़माने में वैष्णो देवी आप जब जाते थे तो आप जंगल के बीच में से होके जाते थे. सो हम वैसे ही जा रहे हैं. सो चढ़ाई इतनी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो हम यहीं से चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रास्ता है वो. ये देखिए, ओके, ये जो रास्ता है ये कार्स के लिए है. अगर आप ऊपर सिर्फ कार से जाना चाहते हैं या पैदल भी जाना चाहते हैं, अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं जंगल के बीच में से, तो आप यहाँ से पैदल पैदल भी जा सकते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कार बहुत स्पीड में आती है ऊपर से या नीचे से. लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने साइन बनाए हुए जिससे कि आपको पता रहे कि आपको किधर जाना है. सो ये एक अच्छी चीज़ है. हमें ऊपर जाना है पहाड़ी पे जहाँ उसकी चेयर है, राजा की, स्पेन के जो राजा था. सो हमने डिसाइड किया है हम सीधा नहीं जाएंगे, हम जंगल में से जाएंगे. मेरी सांस फूल चुकी है क्योंकि हम बहुत नीचे से ऊपर आए हैं चढ़ते हुए. कम से कम 5 किलोमीटर हो गया है. सो जैसे कि लौरा बता रही है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये साइन बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पर जाना है, और ये रूट भी है. और मेरे को काट रहे हैं प्लांट्स जो हैं, चुभ रहे हैं. सो यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ रही है. ये लौरा जा रही है सामने और मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, नज़ारा जो कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे. लौरा मेरी गाइड है वही आज. वो सुबह सी ओके. सो मैं अब कैमरा घुमाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या नज़ारा है. देखिए दूर दूर तक पहाड़, फ्रेश एयर, और वो मेरे सामने है छोटी सी सिटी स्कोरियल गांव, जो कि सामने वो पैलेस है, पलासियो जिसको बोलते हैं स्पेनिश में, जो राजा था वो यहाँ पर ऊपर है, वो चेयर जिससे उसका कंस्ट्रक्शन देखता था. हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे अभी ऊपर, थोड़ा सा सस्ता लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें. लेकिन यहाँ पे काफ़ी शांति है और यहाँ से नज़ारा यकीन मानिएगा, अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा.
हमने एक गलती कर दी कि हम बॉटल नहीं लाए. ट्रैवलर शर्मा होने का फ़ायदा नहीं रहा. मेरे नाम पे धब्बा लग चुका है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकिन पानी की बोतल साथ में नहीं लाए. कोई नहीं, चढ़ाई कर रहे हैं. जोर से बोलो जय माता दी. जोर से बोलो जय माता दी. जय माता दी. जय माता दी. चढ़ाई कर रहे हैं. So, अभी नहीं पता कितना और ऊपर करना है लेकिन ट्रैकिंग करने का मजा तभी आता है जब आप लोग रोड से ना जाकर रियलिटी में ऊपर चढ़े. जब आप जंगल से होके जाएं, जंगल काफी खतरनाक है. अभी तक हम बिच्छू देख चुके हैं, रैबिट देख चुके हैं और लिजर्ड्स देख चुके हैं. इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है. सांप वांप अभी तक मिला नहीं है. स्नेक पता नहीं यहाँ पर है या नहीं, लेकिन ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि यहाँ से किसी को कॉल करने में दिक्कत हो जाएगी. यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल कनेक्शन फिर भी आता है. और दूसरी बात यह है कि आपको पता है रास्ता कहाँ ले जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर निशान बने हुए हैं. थोड़ा सा ही रह गया है मेरे ख्याल से. काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम इस वक्त. टेम्परेचर आज काफ़ी अच्छा है. ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है. धूप फिर भी निकली हुई है. अप्रॉक्स 26 या 25 टेम्परेचर है. मैं हाफने लग गया हूँ अभी. इससे पता चलता है कि मैं कितना स्टैमिना है मेरे अंदर. एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो बॉडी की खस्ता हालत हो जाएगी. इस एज में जाके ये हालत है तो पता नहीं जब मैं 35 क्रॉस करूँगा 40 क्रॉस करूँगा तो क्या हालत होगी. सो ये रास्ता पता नहीं कहाँ ले जाएगा लेकिन हम चलते रहेंगे और अपनी मंजिल के करीब आते रहेंगे. Hoy no hace calor, ¿no? Está bien. Con el aire está fresquito. Si no, me muero de hambre. Perdón, de sed. De sed. Hemos equivocado para no traer la botella de agua, ¿sabes? Sí, arriba compramos algo. Te dije para traer lata. Me quedará un loroco. कि हमें बॉटल लेके आनी चाहिए थी पानी की और हम नीचे अपनी गाड़ी में छोड़े आए. सो अभी भी ऊपर चढ़े जा रहे हैं. यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. सी और जैसा कि लौरा मुझे बता रही है यहाँ पर जो ये वाला जो रॉक है ये ऊपर से गिरा था और ये यहीं अटक गया है. जस्ट बिकॉज यहाँ पर नीचे इसके दो पत्थर हैं तो इसने वहीं पर रोक दिया. अगर यहाँ पर ये दो पत्थर नहीं होते तो ये नीचे गिर जाता. नीचे लुढ़कता लुढ़कता नीचे चला जाता. नो तो वामनोस. सो थोड़ी सी ही दूर है मंजिल के. मेरे ख्याल से यहीं पर है क्योंकि निशान पास आते जा रहे हैं. ऊपर चढ़ के नज़ारा अलग ही होगा. काफ़ी बेहतरीन. मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊंगा. चलते हैं ऊपर चढ़ते रहते हैं. अब नहीं ऊपर. पानी 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 आगुआ. स्पैनिश में पानी को आगुआ बोलते हैं. आगुआ
A-G-U-A. Bolo pani. What? Ya, es que se me olvidó. Ya hemos llegado. Ok. Laura bol rahi hai ki hum pahunch chuke hain. So yahi hai wo jagah jahan se wo raja apne पैलेस को बनते हुए देखता था, कंस्ट्रक्शन को. लॉरा कह रही है कि हमें इंडिया का झंडा वहाँ गाड़ देना चाहिए कि हम इतने ऊपर आए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्लेस. यहाँ पर ऊपर एक सबसे अच्छी बात है कि रेस्टोरेंट भी है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ. अगर आप खाना अपने साथ नहीं लाए हैं तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में खा सकते हैं या ड्रिंक व्रिंक ले सकते हैं. ओके, सो वी हैव रीच्ड टू अवर डेस्टिनेशन. अगर आपको आसान रास्ता अपनाना है तो आप नॉर्मली बाय रोड आ सकते हैं. अगर आपको मुश्किल रास्ता अपनाना है तो आपको जंगल पार करके आना पड़ेगा, पत्थरों पे चढ़ चढ़ के. सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वो रेस्टोरेंट है और यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि राजा फेलिपे जो था वो इधर ऊपर उसकी चेयर है. 1588 में उसको यहाँ पर बैठता था. सो वही हम देखेंगे ऊपर. Okay. So ये है उसका पैलेस जहाँ पे वो देखता था. काफी सुंदर जगह है, काफी अच्छी जगह है और सबसे बढ़िया बात है थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर आपको ये व्यू देखना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा चढ़ के. अगर आपके पास कार है तो बहुत अच्छी बात है. और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई फीस नहीं है. ये रात को लगभग आज तक क्यों रास्ता अबियर तो मास मेनोस चलो फिर अकॉर्डिंग टू अस आई थिंक ये कभी बंद नहीं होता है, रात को आप आ सकते हैं. लेकिन एक 8 बजे 8:30 बजे तक आप यहाँ पर रह सकते हैं और आप इस जगह का व्यू का आनंद उठा सकते हैं. तो आई होप मेरे को आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा दोबारा से कि मैं अभी तक वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी वीडियो लाऊँ आपके लिए, इन्फॉर्मेशन लाऊँ. मेरे से हाल ही में अभी लोगों ने पूछा है कि आप जॉब क्या करते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगी. तब तक के लिए आप इस वीडियो को इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए चाहिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन. Sharma signing out. Bye bye. Dinosaurio.